सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर लीक कैसे होते हैं, चलिए समझते हैं। क्या सर, सीबीएसई पेपर लीक हो रहे हैं? कितने पैसे लेंगे सर, बताइए ना, हमको भी दीजिए। तैयारी के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, शुरुआत से शुरू करते हैं। सीबीएसई पहले क्या करता है कि बहुत सारे टीचर्स को चुनते हैं जो एक्चुअल पेपर बनाते हैं, और पेपर बनाने के लिए वो मल्टीपल सेट्स बनाते हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो यहीं से टीचर्स के थ्रू भी सारे सेट्स लीक हो सकते हैं। उसके बाद फिर जब ये सारे सेट्स पहुंचते हैं सीबीएसई हेडक्वार्टर्स में, वहां पर अप्रूवल दी जाती है कि इनमें से कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा, क्योंकि टीचर्स के पास ये आइडिया नहीं होता कि भाई कौन सा सेट उनका अप्रूव होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो भाई सीबीएसई के स्टाफ जो हेडक्वार्टर्स में, वहां से भी लीक हो सकता है। पेपर बन जाने के बाद आपके एग्जामिनेशन से पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर के पास में जो नजदीकी बैंक है, वहां पर कस्टडी के लिए इन पेपर्स को भेजा जाता है। तो बैंक के स्टाफ भी लीक कर सकते हैं, जैसे 2018 में पेपर लीक हुई थी सीबीएसई के, वो इसी कारणों की वजह से हुई थी। उसके बाद एक घंटे पहले आपके एग्जामिनेशन के, बैंक से आपका पेपर पहुंचता है एग्जामिनेशन सेंटर में, जहां के टीचर्स भी हो सकता है कि भाई लीक कर दे। लेकिन अभी द रूल्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा आपने पूछा था कितने पैसे लेंगे आप पेपर लीक करने के लिए, हर एक बच्चा जो बिना चीटिंग के पढ़ाई करता है उनके मैनेजर जितना दे सकते हो।